बिस्मिल्ल रही ओके इन दिस क्लास टुडे वी विल टॉक अबाउट लाइक हाउ वी विल बी एबल टू मेक ऑफ़ क्वेश्चन सो फर्स्ट ऑफ आल लाइक इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले मैं तो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करूँ कि भाई इंग्लिश में हमारे पास क्वेश्चन कितने तरह के होते हैं तो अगर आप अपने सिलोज में देखें सो फर्स्ट ऑफ आल है

Yes, no कोई आपसे पूछे यार ये यश नो क्वेश्चन क्या क्वेश्चन होते हैं कौन सी क्वेश्चन के हो? हम यश नो कहते अब बोले नहीं इसका जो सेकंड नाम है ना इसको हम कहते हैं कन्फर्मेशन क्वेश्चन कन्फर्मेशन क्वेश्चन ऊपर नहीं मैं सेकंड नाम का मैं नहीं पूछ रहा मैं पूछता हूं ये किस तरह के क्वेश्चन को हम यस नो क्वेश्चन बोलते बड़ी भाई साहब ये तो बड़ी आसान क्वेश्चन है वो सवाल जिसका जवाब हम यस yes या नो में देते हैं वो सवाल जिसका आंसर हम यस आर नो में हम देते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे लिखता हूं आर सॉरी आर यू अहमद क्या आप अहमद हो यहां सॉरी मैं ये डालता हूं जरूर आर यू अहमद क्या आप अहमद हो और मुझे नो सर आई एम फवाद या यानी नो भी एनफ है अब अगर एनगर नो आई एम नॉट सो देन आई विल आस्क यू व्हाट इज योर नेम सो वो सवाल जिसका आंसर हम किस चीज में देते हैं यस yes, या नो में हम वो देते हैं तो वो हमारे पास कौन सा क्वेश्चन होता है यस नो क्वेश्चन होते हैं अब देखिएगा यस नो क्वेश्चन का हमारे आम तौर पे जो इसका जो स्ट्रक्चर बन जाता है वो क्या होता है असल में हमारे पास जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो हमारे पास है सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट चीजों को थोड़ा अंडरस्टैंड करें हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है सब्जेक्ट होगा वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा याद रखिएगा अक्सर औकात जो है इस वोब के साथ जो है वो क्या आता है इस वोब के साथ हेल्पिंग वर्ब आता है या ऑक्सिलरी वर्ब आता है चीजों को थोड़ा अंडरस्टैंड करें फिर मैं बताता हूं आमतौर से हमारे पास

तो यहां वोब के साथ वह आता है अब हमने क्या करना होता है कोई हमें एक सेंटेंस दे भाई साहब ये हमारे पास एक सेंटेंस है फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं आई फॉर एग्जाम्पल यू आर माई टीचर एक सेंटेंस है यू आर माई टीचर अब ये हमारे पास के सब्जेक्ट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट वो और ये हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट यू आर माई टीचर कोई आपसे कहें भाई साहब इसका आप थोड़ा सवाल यह बनाए तो ये जो वर्ब है यहां पर याद रखिएगा इसको हम कहते हैं ये हमारे पास लिंकिंग वर्ब है और अगर लिंकिंग वर्ब का नाम आपसे कभी भूल भूल जाते हैं ना तो कपलर कपलर वर्ड भी जहन में याद रखिएगा वर्ब कपोला कपोला बस कपोला को भी याद तो ऐसा करें इससे ये वाला जो वर्ब है वो पहले लगाए तो बन जाएगा आप लोगों का सवाल कैसा अब ये वाला जो है मैं यहां यू माई टीचर अपनी जगह पर आ गया और यहां आर लगाओ आर यू माई टीचर तो इससे बन जाता है आप लोगों का यस, नो क्वेश्चन आर यू माई टीचर क्या आप मेरे टीचर हो तो बोले यस एक और सेंटेंस में यहां पर आपको लिखता हूं फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि आई ईट मैंगो मैं सेब कहता हूं ठीक है कैसा मन यस सर आई ईट मैंगो मैंगो अब चीजों को थोड़ा तो अंडरस्टैंड करें सब्जेक्ट रहा वोब रहा इन ऑब्जेक्ट रहा कोई आपसे पूछे भाई साहब इसका कोई वो मुझे क्वेश्चन बनाओ अच्छा कौन सा क्वेश्चन मैं बनाऊं यस नो क्वेश्चन बनाओ तो ऐसा करो इसका जो हमारे पास है प्रेजेंट टेंस का वो कौन से डस डूर तो आई के साथ हम डू लगाते हैं तो ऐसा करो बस कोई इतना वो तकलीफ ना करो यहां डू लगाओ और यहां ये यह करो ये हमारे साथ बन जाता है क्या नो क्वेश्चन डू आई इट महंगो फॉर एग्जाम्पल ना फॉर एग्जाम्पल यार थोड़ा वो सीरियस एग्जाम्पल को ठीक है yes, सलमान गुजारा करे, ठीक है तो ये हमारे पास नो yes, क्वेश्चन no हो गया ठीक है फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको बता दू आई है क्रिकेट को खेल चुका हूं अब इससे कौन सवाल बना सकता है तो ये वाला जो है ये असल में स्वर्प के साथ आया है और ये हेल्पिंग वर्ब है तो इसको यहां लगाए हैव आई प्ले क्रिकेट और यहाँ से रिमूव करें और यहाँ है क्रिकेट क्या मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ या क्या मैं क... बिल्कुल समझ आते या नहीं तो ये हमारे पास है आ, क्या यस नो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर यस नो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या होता है हर टेंस या हर सेंटेंस का जो हेल्पिंग वर्ब हो या एग्जलरी वर्ब हो वो शुरू में लगाए बन जाता है यस नो क्वेश्चन यस नो क्वेश्चन कोई ले अच्छा अच्छा अब हम क्या करते हैं इसका हम क्या लिखते हैं स्ट्रक्चर हम लिखते हैं तो इसमें आप बिल्कुल ना कंफ्यूज हो जाए example, जो फॉर एग्जाम्पल जो सेंटेंस होता है या होती है इसका कोई टेंस तो जरूर होगा ना yes. प्रेजेंट का होता है पास का होता है या फ्यूचर का होता है प्रेजेंट का कोई भी का फॉर एग्जाम्पल अब मैं लिखता हूं एक सेंटेंस है फॉर एग्जाम्पल आई प्ले क्रिकेट मैं क्रिकेट खेलता हूं इससे कोई यस नो क्वेश्चन बनाओ अच्छा ऐसा करते हो मुझे पता है है प्रेजेंट सिंपल टेंस और इसके वो क्या लगता है डस तो इसमें ऐसा होते डू आई प्ले क्रिकेट बिल्कुल इजी है डू आई प्ले क्रिकेट अब मैंने क्या करना होता है ऑलरेडी मैं आप लोगों को प्रेजेंट सिंपल टेंस का पैसे स्ट्रक्चर लिख चुका हूं वो हमारे पास है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म आप वो प्लस बाय या टू और वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं प्लस टू होता है विथ होता है बाय होता है टू होता है विथ होता है ये मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं प्लस सब्जेक्ट आता है वॉट एवर ना प्लस सब्जेक्ट आता है अब ऐसा करता हूं ना फर्श करे ये सिंपल सेंटेंस है फर्श करे ये यहां नहीं है तो सिंपल सेंटेंस पे आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें कैसे मैं अप्लाई करता हूं बी सबसे पहले मैं क्या लगा दू आई प्ले क्रिकेट तो सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट लगा दू क्रिकेट तो इसके बाद में क्या लगाऊ इज प्लेड देखो गोरी बाय मी।, मी ये मैं तो चेंज किया अरे ये तो क्वेश्चन है नहीं कोई बात नहीं मैं ऑलरेडी बता चुका हूं यस नो क्वेश्चन बनाना है ना तो इसमें जो हेल्पिंग वर है वो कहां लगाने शुरू में लगाने तो इस यहां लगाए इस क्रिकेट प्लेयर बाई मी और यहां ये यह रिमूव करें नहीं ये नहीं है यहां गलती से इंतहा आसान है पहले एक्टिव स्ट्रक्चर को देखे नेगेटिव है इंट्रोगेटिव है परमेटिव स्ट्रक्चर है कौन सा है इसके मुताबिक आप चेंज क्या करें कोई मसला आप लोगों को नहीं होगा एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ फॉर एग्जांपल अब मैं बताता हूँ आप लोगों को आई हैव डेनर मैं झूठ बोलता हूं ठीक आई हैव इटन डेनर इससे कोई क्वेश्चन बना सकते सर कोई नहीं बना सकता हर कोई बना सकता है तो इसको यहां लगाए है सलमान yes, example ना अब जो है सर इसको किस तरह चेंज करे ये मैं मुझे पता है कि ये सवालिया है मैं समझता हूं कि सवालिया नहीं है सिंपल सेंटेंस है यहां पर आई ईटन डिनर। तो कैसा करूं बिन ईटन बाय मी चुपचाप। ठीक है अब क्या नहीं सर यहां तो सवालिया है तो कोई खास हाँ बात नहीं सवालिया क्या इसको शुरू में लगाए हैज डिनर बिन ईटन बाई में और यहाँ क्वेश्चन मार्क आप लगाए है समझाते या नहीं yes, तो यह हमारे पास बन गया प्रेजेंट सॉरी यश नो क्वेश्चन का आपने पैसे किस तरह बनाना होता है yes. समझा गया ठीक है कोई सवाल फवादा कोई सवाल ठीक है तो यह हमारे सिंपली जो है और साथ में ये भी याद रखिएगा कि यश नो क्वेश्चन का दूसरा नाम क्या है कन्फर्मेशन क्वेश्चन डन बाई अब मैं इसको साफ करूँ जल्दी से अच्छा अब हम बात करते हैं कि हमने डब्ल्यूएच क्वेश्चन का वाइज पैसा बना तो वाइज बनाने से पहले हम पहले हम तो डब्ल्यूच क्वेश्चन को हम तो मतलब जाने कि ये किस तरह के क्वेश्चन होते हैं क्वेश्चन कोई आपसे पूछे अरे ये किस तरह क्वेश्चन होते डब्ल्यूएच क्वेश्चन आप बोले असल में इसका जो दूसरा नाम है वो हमारे पास है इंफॉर्मेशन क्वेश्चन क्वेश्चन डब्ल्यूएच क्वेश्चन का दूसरा नाम क्या है इंफॉर्मेशन क्वेश्चन अच्छा अब लोग के जहन में सवाल आते हैं। सर इसको इंफॉर्मेशन क्वेश्चन क्यों कहते हैं या इसको डब्ल्यूएच के क्वेश्चन क्यों पूछते हैं वो कहते हैं आपने बोलना होते सबसे पहले मैं आपको डब्ल्यू का बताता हूँ रीजन ये सवाल हमेशा के लिए डब्ल्यू से ही शुरू होता है फॉर yes. एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ वट इज नेम आपका क्या नाम है तो यहां देखिएगा डब्ल्यू से शुरू हुआ yeah. अरे सर ये तो ठीक हो गया फिर इसको इंफॉर्मेशन क्वेश्चन क्यों कहते हैं इस सवाल में हम अक्सर मालूम लेते हैं या देते हैं इधर वी गिव और टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम सम बड़ी और फ्रॉम सम वन वेन एवर वी यूज विच वन क्वेश्चन डब्ल्यू एच क्वेश्चन अब देखिएगा यहां फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हु इज अर बेस्ट फ्रेंड हु आपका जो बेस्ट फ्रेंड है वो कौन है क्लियर होते हैं या नहीं ठीक है तो ये हमारे पास क्या है ये हमारे पास इंफॉर्मेशन क्वेश्चन या डब्ल्यूच क्वेश्चन है क्योंकि वो डब्ल्यू एच से ही शुरू होते हैं अब लोग के जहन में एक सवाल आते सर ये जो हाउ है हाव डू यू फील आफ्टर अ क्लास के बाद आप किस तरह फील करते हो सर यहां तो से नहीं शुरू नहीं बेटा ये ये हुआ और हुआ। पहले वर्ड में आपने डब्ल्यू एच को शिनाखत करना होता है आइडेंटिफाई करना होते क्या होता है या नहीं होता है? जब होता है तो आपने क्या बोलना है नहीं जनाब देखिएगा डब्ल्यूएचएस में है इसका मतलब ये हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है

तो ऐसे में कर हूं वाई डब्ल्यूच फैमिली हमारे पास ये है फॉर एग्जाम्पल वेन वाय वेयर हाउ बल सु वटो वाई कना हुए विचो अब ये हमारे पास अक्सर ये इसमें हो सके कुछ वर्ड्स भूल भी हमसे ये हो लेकिन ये हमारे पास क्या है डब्ल्यूच फैमिली है इनमें से कोई भी वर्ड्स एक सिंपल सेंटेंस के सामने आप लगाए फॉर एग्जाम्पल आई ईट मैंगो ये एक सेंटेंस है आई ईट मैंगो अब ऐसा करें इससे कोई सर इससे सवाल आप बना सकते हो हाँ क्यों नहीं मैं बना सकता हूँ बनाओ हाँ बनाओ तो इसमें से एक उठाओ जो अप्राप्रिएट है जो मुनासिब हो अच्छा ये मैं ऐसा करता हूँ यहाँ से मैंने वाई उठाया वाई ये वाला मोटा यह में लगाया वाय आई ईट मैंगो वाय आई ईट मैंगो अब सर इसका मैंने पैसे वाइस किस तरह बनाना होते आसान सा कोई मुश्किल नहीं है अब कैसा चीजों को थोड़ा अंडरस्टैंड करें मुझे पता है कि ये हमारे पास रहा सब्जेक्ट ये हमारे पास रहा वर्ब और ये हमारे पास रहा ऑब्जेक्ट मैं ऐसा करता हूं प्रेजेंट सिंपल टेंस है इसको इस टेंस के स्ट्रक्चर के मुताबिक चेंज करता हूं स्ट्रक्चर मेरे पास है ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑफ अपर प्लस बाय टू एन और विद और प्लस सब्जेक्ट अब इसके मुताबिक सबसे पहले मैं क्या ऑब्जेक्ट तो मैंगो अब इज ईटन बाय जान पी होगी अलग बन पी होगी हाँ बाय ये तो सिंपल हो गया अरे सर ये तो सिंपल सेंटेंस है ये तो सवाल है खैर यार चीज हो चीज थे क्यों मैं बताता हूँ ना ये अपने वाय अपने जगह पर लगाओ और यहाँ देखिए सर वाई मैंगो इज रिटन बाई मी समझा दे या नहीं yeah. तो क्वाइट सिंपल है और मैं आपको एक अजीब बात बताऊं लोग आपसे अक्सर औकात ये सवाल पूछ हैं कि वाई डू आई ईट मैंगो ठीक है या वाई आई ईट मैंगो ठीक है तो ऑलरेडी मैं तो क्वेश्चन डाला yes. यानी बड़ा लाख तो मैं ऑलरेडी डाला तो अब यहां पर अगर डू मैं लगाऊं या ना यानी लोग के जहन में अक्सर ये सवाल आता है देखिए अली इज प्लेइंग क्रिकेट अली क्रिकेट खेलता है तो लोग सवाल पूछते डब्ल्यूएच बनाओ तो मैं यहां लिखता तो हूं वाई अली इस प्लेग क्रिकेट तो लोग अक्सर ये कहते हैं कि नहीं सर ये इस तरह नहीं होता ऐसा नहीं ठीक है कि वाई इज अली प्लेंग क्रिकेट तो वो भी गलत नहीं है ज़्यादा मुनासिब ये है अगर आपके पेपर में कोई इस तरह के कोई सेंटेंस आते कि कौन सा ठीक है वाई अली इज प्लेंग क्रिकेट या आर वाई इज अली प्लेंग क्रिकेट तो कौन सा ठीक होगा ये वाला सॉरी ऊपर वाला ठीक होगा ये वाला ठीक होगा यानी इस अपनी जगह पर अगजल या हेल्पिंग वर्क को अपनी जगह पर छोड़े ऑलरेडी आपने लाक लगाया मैं आप लोगों को एक सिंपल मिसाल देता हूँ ये अकेडमी है हमारा अब ये वाला डोर मैं लॉक नहीं करता अक्सर जो क्लास रूम का डोर है मैं मेन डोर को लॉक करता हूं जब मैंने मेन मैं डोर को लॉक किया तो इसको लॉक करने की कोई जरूरत नहीं अब इंफॉर्मेशन क्वेश्चन जो है इसकी मिसाल मेन डोर की तरह है जब आपने वन विच ये कोई डाला तो लाजमी नहीं कि इसके अंदर आप को भी ले, भी ले आए हाँ अगर आपने नो क्वेश्चन बनाना होते तो बेशक आप क्या करें इसको ले आए फिर मैं आपको बताता हूँ कि हाँ हमने इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन का पैसे वाइस किस तरह बनाना होता है इन्फॉर्मेशन वाला जो वर्ड है यानी डब्ल्यू फैमिली वाला जो भी वर्ड है उसको अपनी जगह पर छोड़ना है ना ठीक है और इसके अंदर जो टेंस हो उसको टेंस के मुताबिक पैसों में चेंज करना है स्ट्रक्चर के मुताबिक और फिर वो वर्ड अपनी जगह पर लगाना होता है एक और एग्जांपल मैं बताता हूं लेकिन मेरे पास जगह नहीं ये वाला एरिया मैं मिटाता हूं ज्यादा नहीं मिटाता थोड़ा सा मैं मिटाता हूं ठीक है अब देखिएगा से बहु वाला क्वेश्चन संग एग्जाम्पल हु कॉल्स यू टीचर कौन आपको टीचर मतलब पुकारता है या कौन आपको टीचर कहते हैं ठीक है थीके? तो अब याद रखिये कि थोड़ा वो चीज है ना तो जब इंफॉर्मेश जो इन्फॉर्म जो फैमिली है यहाँ पर डब्ल्यूचल इससे में से जब हु आता है तो इसका पैसा आपने किस तरह बनाना होता है असल में ये ऐसा है हु कॉल यू टीचर तो ये यह यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट यूज होता है Who you teacher? तो आ, में टीचर yes. तो तो यहां पर सब्जेक्ट यूज होता है तो इस तरह के कोई सेंटेंस जो है वो आपने सबसे पहले आपने इसको अंदर से वो टीक करना होता है. कि हैम टीचर तो ऐसा अब देखिएगा आप हु को इस तरह बाई होम से शुरू करना होता है किस चीज से बाई हूम आप देखिएगा यू के साथ हम क्या लगाते हैं नहीं पैसों में आर लगाते हैं ना yes. तो आप इस तरह भी कर सकते हैं बाई हुम यू आर कॉल्ड टीचर समझाते या नहीं yes, yes. यहां और इस तरह भी बाई हुम आर यू कॉल्ड टीचर समझाते या नहीं yes. ठीक है तो ये क्वाइट सिंपल है मतलब बत, सिर्फ होम में थोड़ा प्रॉब्लम है जब हु शुरू में आता है तो आपने बाई होम से शुरू करना होता yes. yes. yes, है किल्ड द स्नेक बाई होम दॉ के ना ठीक है समझाता या यानी <coughs> अब एक और चीज को थोड़ा अंडरस्टैंड करें एक और एग्जाम्पल में देखते हूं फिर वो सफिशिएंट होंगे यहां पर मैं एग्जांपल बता दूं अब देखिएगा कैसा मैं बताऊं नहीं वो तो ऑलरेडी हुआ फॉर एग्जांपल वट डू यू लर्न इन क्लास आप क्लास में क्या सीखते हो यूट वट यू लर्न इन द क्लास चलो ठीक है वट डू वगैरह नहीं लगाते वट यू लर्न इन क्लास क्लास में आप क्या सीखते हैं ठीक है अब देखिएगा वट अपनी जगह पर यू लर्न इन द क्लास तो अब अगर यहाँ आप देखिएगा सो so, ये वट हमारे पास जो है एज एन ऑब्जेक्ट के तौर पे वो यूज़ होते हैं कैसा फॉर एग्ज़ाम्पल यू लर्न इंग्लिश इन द क्लास यहाँ पर ये वर्ड जो है ये एज एन ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है वट यू लर्न इन द क्लास तो जो वर्ड वट के बजाय आएगा वो ऑब्जेक्ट ही होगा फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैं यहाँ पर बता फॉर एग्ज़ाम्पल इसका मैं इसका जॉब ऐसे कि आई तो यू के बजाय मतलब आई और लर्न इंग्लिश इन क्लास समझ आते हैं नहीं yes. तो इसका मतलब इंग्लिश जो आ गई ये वट की जगह पे आ गई yes. तो सबसे पहले हम पैसे में क्या लगाते हैं ऑब्जेक्ट लगाते हैं yes. और यहां पर वट हमारे पास ऑब्जेक्ट है yes. तो देखिए वट अब वट के साथ में क्या लगाऊ इज लर्न का थर्ड फॉर्म लर्न अन अस ये थोड़ा जो पीछे से पीछे थे, थे बातें थे वो मैं आपको सिखाने का ठीक है बेटा आप लोग का और भी कोई सवाल हो तो बेशक आप मुझसे पूछ सकते हो और आप लोग का कोई सवाल अगर हो बेशक आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो इस पर आप थोड़ा तो प्रैक्टिस करें आप लोग का पूरा वो क्लियर हो जाएगा डन हो गया कोई सवाल वगैरह अगर लेना चाहते हो तो लो ये वाला आखिरी जो क्वेश्चन है वो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ फिर जो है हम क्या करते हैं आगे बढ़ेंगे ठीक है बेटा अच्छा तो अब हम जो थर्ड पॉइंट है हमारे पास एम्बेडेड क्वेश्चन और इंक्लूडेड क्वेश्चन अक्सर اوقات लोग हमसे पूछते हैं जनाब ये एम्बेडेड क्वेश्चन क्या होता है आप बोले ये इंक्लूडेड क्वेश्चन है ना आप नहीं जानते हो कि नहीं पूछोगे मैं पढ़ा दूंगा आपको ठीक है तो इसका दूसरा नाम जो वह क्या है इंक्लूडेड इंक्लूडिंग नहीं कह सिर्फ इंक्लूडेड क्वेश्चन कोई सर ये क्या होता है आपने कहा यार शोर मत करो मैं बता दू आपको इंक्लूडेड क्वेश्चन या एम्बेडेड क्वेश्चन का डिफिनेशन है क्वेश्चन इन क्वेश्चन जब हमारे पास दो क्वेश्चन इकट्ठे आए हो फॉर एग्जाम्पल कैन यू टेल मी कैन यू टेल मी आप मुझे बता सकते हैं एक क्वेश्चन हो गया हाउ हाउ फार कैन यू टेल मी हाउ फार इज एट टू नौशेरा यहां से नौशेरा कितने फासले फासिले हैं हाउ फार इज इट टू नौशेरा अब ये सवाल हम एक बंदा आता है मुझसे एट अ टाइम दो क्वेश्चन पूछते हैं क्या आप मुझे बता सकते हैं यहां से नौशेरा कितना दूर है या कितने फासले पे होता है तो असल में अगर ये इस तरह की यूज करता है तो ये दो क्वेश्चन है तो इसने ऐसा करना होता है ये ये वाला सवाल वो पहले पूछेगा या ये वाला सवाल पहले पूछेगा असल में वो अक्सर जो है वो ये वाला सवाल हाउ फार एट टू नौशेरा। अब चीजों को अंडरस्टैंड करें अब यह वाला सवाल शुरू होता है तो यह वाला सवाल दूसरा सवाल है इसको शुरू करने से पहले आपने एफ और वेदर लगाना होता है क्या चीज हो एफ और वेदर आपने लगाना होता है एफ तो अब यू यहां पर आपने सिंपल स्ट्रक्चर को एडॉप्ट करना होता है यहां पर तो क्वेश्चन स्ट्रक्चर है कैन यू टेल मी अब यहां पर आपने सिंपल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करना होता है और कैन को आपने कोड में चेंज करना होता है इफ यू टेल मी समझाते हैं फॉर एग्जांपल yes, एक और सवाल मैं यहां पर लिखता हूं कैन यू टेल या फॉर यू नहीं कैन शी टेल मी क्या वो मुझे बता सकती वट डज शी लाइक फॉर डिनर थोड़ा चीज़ हो वो अंडरस्टैंड करें कैन यू टेल मी एक सवाल हो गया कैन शी टेल मी सवाल हो गया what she, what does she, she like for दू, दूसरा सवाल हो गया इससे अब मैंने इंक्लूडेड क्वेश्चन बनाना होता है क्योंकि मैंने दो सवाल एट ए टाइम पूछना होते हैं। अब मैं ऐसा बता दूँ। कैन शी टेल मी तो अब यहाँ में वट अपनी जगह पर आता है वट अब इसके अंदर आपने स्ट्रक्चर को सिंपल लिखना होता है वट शी अब शी के साथ हम क्या लगाते हैं लाइक तो लाइक के साथ हम इस या इस लगाते हैं या नहीं वट शी लाइक्स फॉर डिनर इट्स क्वेश्चन कैन शी टेल मी नहीं ना खारी साहब तभी तो लॉजिक है यहाँ पर कि सर यहाँ तो इस नहीं ना यहाँ मैं आपको बता दिया जब यहां आपने वो आपने ऑलरेडी लॉक किया क्वेश्चन आपने कैन शी टेल मी वट शी लाइक्स दैट इज वाई वी कॉल इट एन एम्बेडेड क्वेश्चन यहाँ पर टू क्वेश्चन है तो ऑलरेडी आपने लाक किया यहाँ पर आपने इसको नहीं अच्छा वो यहाँ पर वर्क के साथ आपने वही फॉर्मल जो आ, मतलब अपर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है इसके मुताबिक आपने इसको यूज करना होता है इसका मैं आपको सिंपल लॉजिक बताता हूँ जब यहाँ पर ये यह हमारे पास दो क्वेश्चन हैं अब यहाँ देखिएगा ये यह हमारे पास है यस नो क्वेश्चन और ये हमारे पास क्या है डब्ल्यू एच क्वेश्चन जब आप यस नो क्वेश्चन पहले लगाते हो फिर मैं बताता हूं जब आप यस नो क्वेश्चन पहले लगाते हो बाद में डब्ल्यू एच लगाते हो तो डब्ल्यू एच के अंदर आपने सिंपल टेंस को यूज करना होता है सिंपल स्ट्रक्चर सिंपल स्ट्रक्चर का मतलब वही वर्ब के साथ एस इस या इसका इजाफा करना या सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना एक और एग्जांपल मैं लगाता हूँ फॉर एग्जांपल डू यू नो डू यू नो क्या आपको पता है डू यू नो क्या आपको पता है अच्छा अच्छा किसका मैच था और किसने जीता डू यू नो डू यू नो डिड लाहौर डिड लाहौर win लास्ट नाइट थोड़ा चीजों को अंडरस्टैंड करें सर। अब डू यू नो Yes नो no क्वेश्चन है देखो अगर सलमान अदी दे बोतल you know, yes, no है डू यू नो Yes नो क्वेश्चन है एंड डिड लाहौर वेन लॉस नाइट क्वेश्चन दे उस जो क्वेश्चन है जी। अब मैं इन दोनों क्वेश्चन को अब मैं इकट्ठा करता हूं ऐसा तो मैं बताता हूं डू यू नो you know if Lahore यहां मैंने क्या करना होता है मैंने, आप मैंने 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 वही लगाना होता है क्योंकि लॉक किया तो अंदर से जो आप दूसरा क्वेश्चन यूज करते हो वहां पर आपने टेंस को नहीं चेंज करना या आपने उसका फर्स्ट फॉर्म ऑफ दौर लगाना होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ दौर नहीं इस तरह के कुछ नहीं तो ये हमारे पास क्या रहा ये हमारे पास एम्बेडेड क्वेश्चन या इंक्लूडेड क्वेश्चन रहा आज का लेक्चर अब हमारा एंड पे आ गया अगर आप लोगों का इन दिनों में से जिधर भी आप लोगों का कोई सवाल वगैरह हो तो बेशक आप मुझसे पूछ सकते हो और आप लोग अभी अगर हो तो मुझसे पूछ सकते हो और अगर आपको मेरे वीडियोज़ और मेरे लेक्चर्स अच्छे लगे तो काइंडली मेरे चैनल को दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मेरी वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको किस तरह मेरी वीडियोज़ लगते हैं मॉरेवर यहाँ पर जो मतलब जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर हमारा फेसबुक लिंक भी आपको मिल जाएगा काइंडली वो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करिएगा थैंक यू सो वेरी मच असल